चप्पल जूता तो 500 से स्टार्टिंग है लगभग। तो हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे हमेशा की तरह। और दोस्तों, आज मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग अपना साइड घुमाओ कि जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी काम कर रहा हूँ, मेरा साइड कैसा है। और वो सामने ब्रह्मपुत्र नदी है, और भी बहुत कुछ दिखाने को। यहाँ पर देखो, L&T का काम चल रहा है, वो अपना बैचिंग प्लांट है, सीमेंट और एग्रीगेट वगैरह मिक्स करके कॉन्क्रीट तैयार होता है। और सामने देखो अपना सरायघाट सेतु है दोस्तों, सरायघाट ब्रिज। और ये भी मैं एक जेटी पे खड़ा हूँ, इसे जेटी कहते हैं। आज फर्स्ट टाइम हम अपना साइड का व्लॉग बना रहे हैं, पता नहीं कैसा बनेगा। चलो, और मेरी नानी गुजर गई तो गाइस उसी लिए मैंने अपना बाल छिला लिया, अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाया, बट यहीं पे मैंने छिलवा लिया। देखो ये फेरी कहते हैं, ये फेरी होता है घुमाने वाला टूरिस्ट लोग के लिए। ये देखो गाइस, और हमारे साइड पर तो काफ़ी सारा मस्ती वगैरह चलते ही रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हम लोग अपने लेबोरेटरी के पास आ चुके हैं, और मुझे पता चला है कि हमारे एक वर्कर जो है, उन्होंने एक क्यूरिंग टैंक में एक मछली डाल के रखा है। क्यूरिंग टैंक होता है गाइस, जिसमें हम लोग अपना जो क्यूब बनाते हैं टेस्टिंग के लिए कॉन्क्रीट का, उसको पानी में डुबा कर रखा जाता है। और ये देखो भाई साहब निकालने जा रहे हैं इसे, क्योंकि हमें क्यूरिंग टैंक खाली करना था, उसके लिए मछली को दूसरा जगह शिफ्ट करना है। और फाइनली हमने दोस्तों इसे पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया है। और ये बहुत ही पुराना मतलब मछली का स्पीसीज है गाइस, तो ये पानी के बाहर भी थोड़ा देर टिक जाता है। और ये लोग दिखा रहा था कि किस टाइप से है ये, आप लोग जानते होंगे, एक्वेरियम में देखा होगा आप लोगों ने, क्रोकोडाइल फिश जिसको बोलते हैं, जो एक जगह कहीं पे चिपक जाता है, देखिए उसी टाइप से इसका मुँह है, देखिए चिपकने वाला बस ये। बट ये है कि ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है, और यहाँ पर इसे थोड़ा सेलिब्रिटी वाला फीलिंग भी आ रहा है, सब लोग सेल्फी वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। और इसका दोस्तों स्किन इतना हार्ड था ना छूने में, लास्ट में हमने इसे क्या किया, हमने सोचा यार ज़्यादा परेशान नहीं करते, पानी में हमने छोड़ दिया इसे, और ये खुशी खुशी पानी में चला गया। और शाम में गाइस ये देखो, शाम में एक और अजीब सा बड़ा सा ग्रास हॉपर टाइप का एक कीड़ा है, मतलब अजीबोगरीब चीज़ें देखने मिल जाती हैं हमें गुवाहाटी में। मिलता है आपसे दूसरे दिन। हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे हमेशा की तरह। और दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं संडे, आज देखो आज संडे को फिर भी साइट आ गया यार, इतना मेहनत करते हैं। पानी का लेवल बहुत ही ऊपर आ चुका है फिलहाल, तो यहाँ पर आप एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखो बगल में यहाँ पे पोर्ट का। तो पहले चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आएगा लाइक कर देना। और ये लाइफ ऑफ ए सिविल इंजीनियर आपको दिखा रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर मेरा ब्रिज प्रोजेक्ट चल रहा है, सब चीज़ दिखाएंगे धीरे धीरे, बस वीडियो में बने रहना। और ये मैं सोचना कि आज कंस्ट्रक्शन का दिखाएंगे, आज छुट्टी का दिन है तो घूमने जाएंगे गुवाहाटी, गुवाहाटी में क्या क्या होगा सब दिखाएंगे आपको। तो ये है अपना लैब, यहाँ पर काफ़ी सारा चीज़ इक्विपमेंट है यहाँ पर, जो कि कॉन्क्रीट टेस्टिंग के लिए, सॉइल टेस्टिंग के लिए होता है। और सामने देखो वंदे भारत ट्रेन जा रही ब्रिज से, और हम लोग आ गए अपने भैया के पास खाने के लिए यहाँ पर, जो कि ट्रेडिशनल असमीज खाना है दोस्तों, मतलब बहुत ही डिलीशियस था। मछली भी था, दो तरह का चिकन भी था, और वेज भी था इसमें। और उसके बाद गाइस हम लोग निकल चुके हैं सड़कों पे घूमने के लिए, आज हम लोग का प्रोग्राम है दोस्तों गुवाहाटी का बहुत ही फेमस सा फैंसी बाज़ार है। फैंसी बाज़ार में बहुत सारे कपड़े वगैरह और घूमने फिरने लड़के लड़कियां बहुत सारे देखने को मिलेंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और चलिए हम आपको घुमाने जाते हैं, बहुत ही फेमस सा बाज़ार है दोस्तों। बस में हमें 20 रुपये भाड़ा लगता है मेरे रूम से, और ये हम लोग सामने पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये शहर जो मेन सिटी है आपका फैंसी बाज़ार, उसके सामने का नज़ारा है, बस स्टॉप देखो कितना प्यारा सा नज़ारा है दोस्तों। ये बगल में नदी है, फिर बस स्टॉप है और रोड है, और उसके बगल में आपका बाज़ार स्टार्टिंग हो चुका है। तो हम लोग थोड़े मोड़े कपड़े वगैरह लेने के लिए पहुँच गए, क्योंकि सुना है हमने यहाँ पर बहुत ही सस्ता सा कपड़ा मिलता है, 200-300 में टी शर्ट भी मिल जाता है, जीन्स भी मिल जाता है 300 में। ये आ गए गाइस हम लोग फैंसी बाज़ार में, और ये देखिए चारों तरफ मार्केट, हमारे भैया हैं यहाँ साथ में, और खाने पीने का बहुत सारा आइटम है यहाँ पर। टकला में फोटो ठीक आ रहा है, तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर। तो इसे कहते हैं गाइस फैंसी बाज़ार, यहाँ से हमारा फैंसी बाज़ार शुरू हो चुका है। लड़के लड़कियाँ घूमने फिरने के लिए यहाँ पे सब लोग शॉपिंग करने के लिए संडे को आए हुए हैं। फैंसी शर्ट से लेकर के फैंसी पैंट, फैंसी हर चीज़, लड़के लड़कियों दोनों का, चप्पल जूता, बच्चे के भी मॉडर्न जूते, सस्ते जूते, चप्पल जूता तो 500 से स्टार्टिंग है लगभग। तो गाइज़ यहाँ पर फैंसी बाज़ार घूम करके मैं थक गया, और यहाँ पर कोने में एक बर्फ के गोले वाला दोस्तों एक स्टॉल था, वहाँ से मैंने एक गोला चुस्की ले लिया। उसके बाद हम लोग चले गए शाम में थोड़ा रेस्टोरेंट वगैरह खाने, KFC चले गए, KFC से खा करके नेक्स्ट डे स्टार्ट दोस्तों काम पर फिर से वापस आ चुके हैं। यहाँ पर देखो पूरा सरिया पार्टी काम कर रहा है, यहाँ पर केज बना रहा है पाइल वर्क के लिए, और ये सामने बड़ा सा क्रेन आपको दिख रहा होगा, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को फिर से बता देते हैं किस तरह से काम चल रहा है यहाँ पर। ये देखो सरिया पार्टी लोग होता है यहाँ पर, ये लोग पूरा सरिया तैयार कर चुका है, रिइंफोर्समेंट यहाँ पर, सर्वेयर लोग आ गए, सर्वे टीम अपने इक्विपमेंट लेकर के, हमारे पीछे मैट मशीन है, टायरिंग मशीन बोलिए,
ये बोर करता है दोस्तों, किस तरह से देखो, बोर करके नीचे से मिट्टी काट के निकालता है। इसका डाया कम से कम डायमीटर इसका 1.5 मीटर के आसपास है, और किस तरह से ये खोद करके मिट्टी निकालती है देखो। ढक्कन में एक पूरा बकेट होता है, इसमें पूरा मिट्टी कलेक्ट होकर के निकल के आता है, और ये प्रोसेस रिपीट होते रहता है। अभी फिर जा रही है और नीचे निकालने की, लगभग 30+ मीटर के नीचे बोरिंग चल रहा है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह दोस्तों आते रहते हैं, साइड पर PWD का काम चल रहा है, तो यहाँ पर अच्छा लगता है स्टूडेंट्स लोग से मिल करके। उन लोगों को मैं थोड़ा बता भी देता हूँ तो अच्छा लगता है, टीचर वाला फीलिंग आता है ये लोग भी। और ये देखो कितना मस्त सा नज़ारा था दोस्तों, यहाँ पर सारे मशीन एक साथ काम कर रहे थे जितने भी हैं। और फिर दोस्तों अगले दिन का स्टार्ट हो गया फिर से ब्लॉग आपका। यहाँ पर देखिए सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग, डायरेक्टर लोग सब आए हुए। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गया था साइट पर, तो वो सब डिस्कस करके फिर चले गए। फिर मैं अपना साइट पर लग गया दोस्तों। ये बगल में देखो यहाँ पर फेरी बोट भी कंस्ट्रक्ट होता है हमारे साइट के बगल में, सामने ब्रह्मपुत्र नदी है और काम हो रहा है दोस्तों पूरा। बारिश में भी फुल शोर शोर से, तो यहाँ पर फिर बारिश छूट गया यहाँ पे दोस्तों। मतलब गर्मी, धूप, बारिश, बच्चे लोग भी देखिए ब्रह्मपुत्र के लगभग सेंटर तक चल जाते हैं ये लोग नहाते नहाते। पर देखो ये दोस्तों आगे एक तो नुमालीगढ़ है आगे असम में, तो वहाँ पर रिफाइनरी है, उसके लिए बड़ा बड़ा दोस्तों बॉयलर होता है, ये सब बड़ा बड़ा मशीन, तो वो सब जा रहा है दोस्तों इसमें शिप की मदद से। देख करके बहुत ही मज़ा आता है यार। तीन पार्ट में गया, एक आगे, दूसरा और सबसे पीछे से एक और आ रहा है। फिर शाम में हम और सर निकल चुके हैं थोड़ा सा राइड पे, एक बार थोड़ा स्नैक्स वगैरह चाय वगैरह पीने के लिए। यह आसाम का छोटा मोटा गांव से होते हुए हम लोग नदी किनारे, क्या मस्त सा नज़ारा दिख रहा है दोस्तों, देख रहे हो एकदम पूरा नीला नीला आसमान, नदी किनारे ठंडी हवा और आसाम का अपना छोटा मोटा गाँव वाला एरिया, रूरल एरियाज़। यहाँ पर बंदर भी बहुत दिख रहे थे हमें रोड पर। और ये कुछ प्यारा सा सिटी है छोटा सा, ये देखो बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ का घर दोस्तों आप देखोगे तो थोड़ा मतलब वो झोपड़ी टाइप का बना रहता है डिज़ाइन उसका, छत बहुत कम ही लोग बनाते हैं, वो भी मैंने नोटिस किया यहाँ पर। फिर हम लोग और आगे निकल गए घूमने के लिए, और आगे घूमते 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 गाइस हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं डिकैथलॉन में। डिकैथलॉन का आउटलेट है यहाँ पर, यहाँ पर काफ़ी भीड़ था गाइस, और बहुत ही बढ़िया स्टोर है यहाँ पर। आप लोग जानते हो कि डिकैथलॉन यहाँ पर बाहर में बच्चे लोग, ये देखो टेंट वगैरह बनाया हुआ है, टेंट वगैरह भी आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर, कपड़े वगैरह सब। प्राइस बहुत बढ़िया है, मैंने एक सॉक्स ले लिया 200 में 3 जोड़ा, बहुत ही बढ़िया सॉक्स है। और यहाँ पर सामने देखा हमने बच्चे लोग यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करते स्केटिंग के लिए, सब काफ़ी बढ़िया स्केटिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर स्केटिंग का भी बहुत बढ़िया यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह मिलता है। छोटे छोटे बच्चे लोग को देखो कितने प्यारे लग रहे हैं और इतना बढ़िया स्केट कर रही है देखो। तो लास्ट में ये लोग का भी समापन हो गया, ये लोग भी सब सारे कोन्स वगैरह गैदर कर लिए हैं। और काफ़ी अच्छा दिन रहा दोस्तों, मतलब ये मेरा 3-4 दिन का मिला करके एक ब्लॉग था, बीच में टाइम मिला तो मैंने बना लिया। आप लोग अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।